वो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, तो हमको ये कहना चाहिए हमने जो किया वो लोगों को कहने में हम शर्माना नहीं चाहिए। लेकिन बहुत दफा मैं देखता हूँ हमारे लोग, अगर बीजेपी के लोग ये कहते हैं तो हमारे लोग छुप बैठते हैं। अरे क्यों, हमने किया, देश को बचाया, देश को एकता रखने के लिए हमने गोली खाई। हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 32 गोलियां खाई और अपनी जान दी देश के एकता के लिए। राजीव गांधी जी ने इस देश के एकता के लिए, एक महिला आकर जब उनको माला पहनाने के लिए आगे आई तो राजीव गांधी जी ने अपना सर झुकाकर उस माला पहनने के लिए गए तो उसमें जो मानव बम था, मानव बम से राजीव गांधी का देह उड़ा दिया गया और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए इस देश के लिए। और फिर भी हमको पूछते हैं 70 साल में क्या किया। 70 साल में इस देश को हमने बढ़ाया आर्थिक दृष्टि से और देश को एकता रखने में, देश के स्वतंत्रता में और देश को संविधान के रक्षा में हमारा सबसे बड़ा हाथ है। अगर आज इस देश में संविधान जिंदा नहीं होता, अगर संविधान बचता नहीं था तो मोदी जी उस प्रधानमंत्री के कुर्सी पे नहीं बैठ सकते थे। और जो हमेशा ये कहते हैं, और मोदी जी हमेशा बार बार ये कहते हैं, मैं एक चाय वाला हूं। अरे भाई, सभी किसी ना किसी का प्रोफेशन का आदमी रहता है। मैं एक मजदूर का बेटा हूं, तुम चाय वाले के बेटे हो तो मैं एक मजदूर का बेटा हूं। लेकिन इस देश के लिए हमको कुछ करना है। बार बार वही नहीं बोलना कि मैं चाय वाले का बेटा हूं, मुझे कोई सहन नहीं कर रहा। अरे सहन तो हम कर रहे हैं, लेकिन तुम सहन नहीं कर रहे हो, तुम लोगों को दबा रहे हो, कुचल रहे हो। आज दलित परेशान है, माइनॉरिटी परेशान है, महिलाएं परेशान है, युवाएं परेशान है, इतने परेशान है, किसी को नौकरी नहीं है और किसी को रक्षण नहीं है। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा, आज जो मोदी साहब हमेशा अपने भाषण में कहते हैं, अब वो छोड़ देना चाहिए। और वो आते ही कह दिए कि मैं करप्शन हटाऊंगा, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं नहीं खाऊंगा और किसी को खाने नहीं दूंगा, खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन आज क्या हो रहा है, खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन आज उसका उल्टा हो रहा है, खाऊंगा न खाने दूंगा लेकिन मेरे दोस्तों को खिलाऊंगा। और नीरव मोदी जैसे लोगों को वो खिला रहे हैं और बाहर देश को भगा रहे हैं। ये उनको कौन खिलाए, 22,000 करोड़ रुपए बैंक से लूटने वाले आदमी को आप खुद पहचानते हो, उसको जानते हो, उसके नाम से पुकारते हो सेमिनारों में, इन्वेस्टमेंट मीटिंग में उसका नाम लेते हो। अगर वो आदमी 22,000 करोड़ रुपए बैंकों को चुन्ना लगा के भागता है तो हम क्या कहें, ये स्टेप भ्रष्टाचार मुक्त हो गया। अरे भ्रष्टाचार को तो आप सपोर्ट कर रहे हो। अब छोटा मोदी एक तो भाग गया, बड़े मोदी साहब तो सबको सपोर्ट कर रहे हैं। कोई क्रिकेट में फंसा हुआ है, कोई बैंकिंग गड़बड़ी में फंसा है, एक नहीं अनेक घोटाले हैं, लेकिन हमारे लोग कुछ नहीं बोलते। आप बोलिए जोर से, हम कुछ नहीं करें। क्या हुआ 2G के बारे में बोले, CBI ने बर्खास्त कर दिया, एक एविडेंस नहीं, उसका इतना प्रचार किया कि हमको इतना कमजोर किया और हमारे लोग भी चुप बैठे। जो चीज सही है, सही के लिए भी अगर आपकी जबान नहीं उठती तो फिर क्या होगा, फिर कौन प्रचार करेंगे हमारे। इतने कार्यक्रम श्रीमती सोनिया गांधी जी ने दिए, इतने कार्यक्रम मनमोहन सिंह जी ने दिए, कांग्रेस पार्टी ने दिया, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने सारे वेलफेयर मेजर्स उनको दिए, लेकिन फिर भी हमारे नौजवान थोड़े खामोश हैं। मैं चाहता हूं आप उठो, संघर्ष करो और राहुल जी के साथ उनका मजबूती से उनका सपोर्ट करो। जब तक आप उठेंगे नहीं, सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर बैठे जगह ही सब लोग बोलते जाएंगे क्यों ऐसा हो रहा, क्यों होता ही है,
जब हम खुद को अपने आप के ऊपर जब विश्वास नहीं रखते और काम भी नहीं करते तो उसी जगह से हम हारते हैं। और कांग्रेस पार्टी कभी हारी नहीं, हारता भी नहीं। मैं देख रहा हूं, मेरे को 46 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, ये 10th मार्च को खत्म हो गए 46 इयर्स। मैं 11 बार चुन के आने के बाद भी मैं इसलिए जिंदा हूं, कांग्रेस पार्टी मेरे को हमेशा सपोर्ट करती है। और कांग्रेस पार्टी के लोग हारते हैं तो कांग्रेस पार्टी के लोग ही हराते हैं, दूसरे नहीं। दूसरों की हिम्मत नहीं होती। जब अपने आप में हम अलग सलग होते हैं, एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं, चीफ मिनिस्टर बनने की कोशिश करते हैं, मंत्री बनने की कोशिश करते हैं, तो हम ही लोग गिराते हैं। तो इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, अपने मतभेद कितने भी होंगे, देश के लिए छोड़ो, संविधान के रक्षा के लिए छोड़ो, लोकतंत्र के हिफाजत के लिए छोड़ो, महिला और दलित शोषित वर्गों के लिए आप पूरे लोग एकजुट हो जाओ, यही मेरी आपसे विनंती है। अब और दूसरी चीज मैं आपसे ये कहूंगा कि हमने बहुत सारी चीजें अपने पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में लाए हैं, मैं वो सारी चीजें फिर से बताना नहीं चाहता हूं क्योंकि आपको चर्चा के लिए बड़ा समय है, तो उस समय में आप सारी चीजें ले सकते हैं। लेकिन एक दो चीजें और भी मैं बताऊंगा जो किसान का समस्या है। खैर वो रेजोल्यूशन तो सेपरेट है, लेकिन 16,000 किसान लोग आज सुसाइड कर लिए, 16,000 से भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो आंकड़े मुझे मिले हैं। अरे बीजेपी सरकार ने क्या किया, हमारी सरकारों ने जब कभी किसानों के ऊपर कोई ऐसी आपत्ति आती थी तो हमने, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने यह तय किया, जब किसान आपत में है हम उनको मदद करना चाहिए। 72,000 करोड़ हमने किसानों का लोन माफ किया। बताओ बीजेपी ने कितना किया, कौन से स्टेट में किया? किया तो भी वो यूपी में किया, लेकिन वो लोग उसको नकार दिए, तुम जाओ, और वो उसको सबक भी सिखा दिए गोरखपुर में और दूसरे जगह, और वो आकर कर्नाटक में प्रचार कर रहा है। अपना घर तो छोड़ दिया लेकिन कर्नाटक में आके प्रचार करने का शुरू किया है, लेकिन लोग वहां भी उनको सबक सिखाएंगे। और कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में आपके ब्लेसिंग से, आपके कोऑपरेशन से फिर से अधिकार में आएगा, मैं आपको कहने लगा।